जेट एयरवेज की फ्लाइट में 35,000 फीट की ऊंचाई पर एक बच्चे ने जन्म लिया है। ये फ्लाइट सऊदी अरब से केरल आ रही थी। वक्त से पहले प्रसव पीड़ा की वजह से फ्लाइट की आपात लैंडिंग करानी पड़ी। जेट एयरवेज ने इस नन्हे मेहमान के लिए जीवन भर फ्री एयर टिकट की घोषणा भी कर दी, जिसकी आप तस्वीरें देख रहे हैं। जेट एयरवेज के विमान में 35,000 फीट की ऊंचाई पर जन्मे बच्चे की ये तस्वीर आपके सामने, और देखिए ये नन्ना सा प्यारा सा बच्चा जिसका जन्म 35,000 फीट की ऊंचाई पर हुआ है, माँ और बच्चा दोनों सुरक्षित है। जेट एयरवेज की उड़ान संख्या 9W569 ने शनिवार देर रात 2:55 पर दमम से कोची के लिए उड़ान भरी थी। इस विमान में 162 यात्री सवार थे, इन्हीं में एक गर्भवती महिला भी थी। उड़ान के दौरान ही गर्भवती महिला को वक्त से पहले प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। चालक दल के सदस्यों ने मेडिकल इमरजेंसी की घोषणा करते हुए मुंबई की तरफ फ्लाइट को मोड़ा, लेकिन रास्ते में 35,000 फीट की ऊंचाई पर बच्चे का जन्म हो गया। प्लेन को इमरजेंसी में मुंबई में लैंड कराया गया, जहां से उन्हें होली स्पिरिट हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। फिर जो बेबी बॉय हुआ और माँ थी जिसकी डिलीवरी हुई हवाई जहाज के अंदर, उसे जो है मुंबई के इस होली स्पिरिट हॉस्पिटल के अंदर यहाँ पर भर्ती कराया गया है। फिलहाल अभी उनसे किसी को मिलने की इजाज़त नहीं है। यहाँ पर हॉस्पिटल का जो प्रशासन है भी उन किसी को मिलने नहीं दे रहा है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वो सुरक्षित हैं। जेट एयरवेज ने बच्चे के जन्म पर घोषणा की है कि वो बच्चे की पूरी जिंदगी जेट एयरवेज के माध्यम से उड़ान भरने का खर्च उठाएगी। इसके लिए नन्हे मेहमान को फ्री लाइफ टाइम पास जारी किया जाएगा। जेट एयरवेज की फ्लाइट में इतनी ऊंचाई पर बच्चे के जन्म की पहली घटना है। मुंबई से राजेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।